कि भाई मेरा परमिशन, मेरा ऑफिस है, यहाँ से गाड़ियाँ को ना हटाया जाए, हमारी गाड़ी अंडर कंट्रोल है, मेरा ऑफिस है, परमिशन के साथ ऑफिस है, आने जाने की कोई दुविधा नहीं, कोई बाधा नहीं है। इसके बाद 10-12 कार्यकर्ता बीजेपी के आते हैं, हूटिंग करते हैं, बीजेपी की जिंदाबाद के नारा लगाते हैं, मोदी जी जिंदाबाद के नारा लगाते हैं, कृपा शंकर सिंह जी की जिंदाबाद के नारा लगाते हैं, और फिर पुलिस भी हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करती है और हमें करने की कोशिश करती है, और फिर मुझे पूरी तरह से घसीट के गाड़ी में बिठाया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मेरा कुछ भी नहीं सुना और मुझे गाड़ी में घसीट के बिठाया गया, और उसके बाद फिर मुझे थाने में लेके गया, और थाने से फिर मुझे वापस मेरे ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन का या जो भी उन्होंने धारा लगाई, और उसके बाद फिर मुझे रिहा होना पड़ा। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं इन सब चीज़ों से लड़ते रहूँगा तो मैं चुनाव कैसे लड़ पाऊँगा? तो मैं मेरी निर्वाचन आयोग से अपील है, और मैं एक लेटर भी बनवा रहा हूँ कि भाई मुझे निष्पक्ष चुनाव करने की बात आपने कहा था, जब मुझे सर्टिफिकेट मिल रहा था समाज विकास क्रांति पार्टी का, तब भी कहा गया था कि निष्पक्ष चुनाव होगा। क्या निष्पक्ष चुनाव ये कहता है कि जो प्रधानमंत्री हैं अगर वो किसी भी एरिया में जाएंगे तो कोई भी कैंडिडेट वहाँ प्रचार नहीं कर सकता? क्या निर्वाचन आयोग ये कहता है कि प्रधानमंत्री का तो हर जिले में दौरा रहेगा, तो क्या जहाँ जाते हैं वहाँ के कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, किसी को पूरे शहर में प्रचार करने के लिए मना करेंगे या किसी को वहाँ खड़ा रहने के लिए मना करेंगे, या उनकी हुड़दंगई भारतीय जनता पार्टी की होगी? तो फिर सरकारें भंग कहाँ हुई हैं? जब उनका इतना दबदबा चलेगा भारतीय जनता पार्टी का, तो सरकार भंग हुई कहाँ? अधिसूचना लागू हुआ कहाँ? फिर आप आचार संहिता की बात कहाँ से कर रहे हैं? हमें सिखाया गया, निर्वाचन आयोग ने पूछा, हमें बताया है, हमने भी पढ़ाई की, हमने भारतीय संविधान की बातों को मुझे जानने का अधिकार है, और मैं जानने की कोशिश की, और मैंने जाना है कि सरकार भंग हो जाती है, कोई कहीं का सांसद नहीं रह जाता, जितने भी कैंडिडेट पास हो जाते हैं पर्चे में उनको बाकायदे सबको सम्मान के साथ लड़ाया जाता है, लड़ाने का काम किया जाता है, किसी के साथ बदतमीजी बदतसलूकी नहीं की जाती है, लेकिन वैसा हो रहा है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं निर्वाचन आयोग से यह अपील करता हूँ कि मुझे हराने के लिए शासन चाहती है और भारतीय जनता पार्टी हराने के पीछे लगी, लेकिन मैं हारने वाला नहीं हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसके बगैर मैं चल नहीं सकता, उसके बगैर दुनिया नहीं चल सकती। इसको जो उखाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम जब तक हमारी सांस में सांस रहेगा हम संविधान को बदलने नहीं देंगे, संविधान के में गुंडागर्दी करने नहीं देंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, जनता हमारे साथ है, हम लड़ते रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। मतलब क्या है, पहले कार्यालय उनका कहीं होटल में कार्यालय, हम रह रहे थे ना वहाँ पे, तब तो उनका कार्यालय नहीं था। जब उन्होंने देखा हमारा कार्यालय खुला, बाकी चीज खुला, हमने कार्यालय में भीड़ इकट्ठा की, हमारे वर्कर आए, हमारे समर्थक आए, तो उनको बुरा लगा, तो हमको रोकने के लिए वहाँ भी कार्यालय खोल दिए। अरे कभी मेरे घर में जाके कार्यालय खोल देंगे, जहाँ जहाँ मैं रुकता वहाँ कार्यालय खोल देंगे। भाई उनका दबदबा है, उनकी सरकार है, मैं जहाँ चलूँगा वहाँ से कार्यालय खोल देंगे, मैं क्या करूँगा? जहाँ मेरा परमिशन वहाँ उनका परमिशन मिल जाए तो मुझे रोक दिया जाएगा कि भाई कृपा शंकर सिंह आएंगे, हुटर बजाते हुए आएंगे, हम जहाँ से जाते देखते हैं, हम भी तो जाते हैं जिस रूप से परमिशन रहता है, उनकी गाड़ियाँ आती हैं तो हटो हटो साइड, यानी हमारी गाड़ियाँ हवा में चली जाएँ, तो ये तो दादागिरी है। क्या कर रहा है, आपकी बातों को सुन रहा है कि नहीं? अगर सुनता तो शायद ये होता नहीं, कहीं ना कहीं दबाव में तो है प्रशासन, कहीं ना कहीं तो है, नहीं तो मुझे क्यों अरेस्ट करता, हमें मनाने की कोशिश तो करता। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमने अपने क्या कारखाने में गोली बारूद रखे हैं क्या? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो हमने कौन सा ऐसा इलीगल काम किया है? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका सम्मान है, हम रास्ता छोड़ देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, उनका सम्मान होगा। हम तो आपको हिरासत में रखा गया था, हमें सुबह से लेकर शाम तक, हम तो घंटे याद नहीं कि, हम तो 11 बजे ऑफिस में आए, 11:30 बजे तक बस 20-25 मिनट के बाद लौटा होगा, इसके बाद हम चले गए हिरासत में, 8-9 घंटे तो रखे गए, शाम तक रखे गए, 8 बजे छोड़े। ये क्या बात है भाई, आए प्रधानमंत्री चले भी गए, मैंने कहा चलो अभी डर खत्म हो गया आपको कि हम प्रधानमंत्री को कुछ नहीं करेंगे। क्षत्रिय क्या ऐसा डर है क्या कृपा शंकर सिंह को कि क्षत्रिय कोट आपकी तरफ भाग के आ रहा है? भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि कभी डरना नहीं चाहिए इंसान को, चाहे भले खत्म हो जाए, मैं उनकी औलाद हूँ, भगवान श्री रामचंद्र के वंशज हूँ, मेरा गोत्र वशिष्ठ है, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, क्षत्रिय कभी झुक नहीं सकता, कट सकता है, मर सकता है, झुकेगा नहीं। नहीं, क्या नहीं, क्या क्षत्रिय
छत्रियों को वोट आपकी तरफ डाइवर्ट हो रहा है, इसलिए कृपा शंकर सिंह डर रहे हैं क्योंकि वो भी बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे रोका जा रहा है, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। मैं छत्री हूँ, मैं इस चीज़ को कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। मुझे मारा जाएगा तो मैं मर जाऊँगा, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। मैं किसी के रोकने से चुनाव प्रचार अपना बाधित नहीं कर सकता। मैं भारतीय संविधान के हिसाब से मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं लड़ूंगा चाहे कृपा शंकर सिंह कोई भी हो। मैं कभी हार नहीं मानूंगा इस चीज़ का कि मुझे चुनाव से रोका जाए। मुझे 8-8 घंटा खड़ा कर दिया जाता है, जो मैं उम्मीदवार हूँ मुझे अंदर बंद करके खड़ा कर दिया जाता है। 8-8 घंटा मैं खड़ा हूँ, मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ, मुझे चक्कर हो जाए, मैं मर जाऊँ, मैं परिवार अनाथ हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं लड़ना बंद कर दूँ? मैं लड़ने के लिए जा रहा हूँ, मैं लड़ूंगा, मैं भारतीय संविधान के हिसाब से लड़ूंगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं रुक जाऊंगा। मैं रुकने की कोशिश कभी अगर कोई भी करे मैं नहीं रुकूंगा, और मैं लड़ूंगा। मैं छत्री हूँ, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं कभी भी बंद नहीं होगा, मेरा प्रचार कभी भी बंद नहीं होगा। घसीट के लेके जाया जा रहा है, मैं एक उम्मीदवार हूँ, मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ? मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ, जनता के लिए लड़ रहा हूँ। उनकी लड़ाई उनको कहता हूँ, मैं आपकी सुरक्षा करूँगा। मैं क्या सुरक्षा करूँगा जो मेरी सुरक्षा खुद नहीं हो पा रही? भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्वाचन आयोग मेरी सुरक्षा खुद नहीं कर रहा है, मैं लोगों की सुरक्षा कैसे करूं? मैं क्या उनको अपील करूं? कैसे अपील करूं? ये निष्पक्ष निर्वाचन आयोग कहता है, निष्पक्ष चुनाव होगा, इसको निष्पक्ष कहते हैं? हमें घसीट के लिया जा रहा है, मुझे 8 घंटे खड़े कर दिया जा रहा है, बैठने के लिए चेयर भी नहीं दिया जा रहा है। मैं डायबिटीज का पेशेंट हूं, मैं मर जाता हूं तो क्या होगा? मुझे मारने के लिए छोड़ दिया गया है? इतने परवी करने के बाद एक गनर मिलता है, और जो मैं रास्ते से आपने मुझे रूट का दे दिया, कौन सा गनर है हमारे साथ? अगर रूट का दे देते हो, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी आते हो, हुटर बजा के आते हैं, और हमें हटने के लिए कह जाता, हमें रोक देने की किले कह जाता, गाड़ियाँ रोको 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 करने के लिए, ये हमारा परमिशन है? ऐसे हम चुनाव लड़ेंगे, हम कहाँ पहुँच पाएंगे? 100% सौतेला व्यवहार कर रहा, पता चलता है। एक दिन भी लड़ने के लिए नहीं दे रहे हैं, ये मैं परमिशन लिया हूँ, उसके बाद भी मुझे लड़ने के लिए नहीं दे रहे हैं। आज मेरा साख गंज का परमिशन है, शायद मैं जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। मैं अभी भी दुविधा में हूँ, बीच में कहीं उनकी गाड़ियाँ हुटिंग बजाए मुझे रोक दे तो मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन मैं लड़ूंगा, मैं छत्री हूँ, लड़ूंगा। और भगवान श्री रामचंद्र ने कहा है कि छत्रित्व का धर्म होता है, छत्री का धर्म होता है जो गरीबों की रक्षा करे, असहायों की रक्षा करे, जाति धर्म को न माने, माइनॉरिटी को न माने, सबकी रक्षा करे। मैं वो रक्षा करने के लिए आया हूँ। मैं छत्री हूँ तो सबकी रक्षा, सभी जाति धर्म सबकी रक्षा करने के लिए आया हूँ। तो मैं अगर मैं समाज से, मुझे परमिशन मिला है, मुझे निर्वाचन आयोग ने मेरा सर्टिफिकेट दिया है, मुझे समाज विकास क्रांति पार्टी का सर्टिफिकेट दिया है कि आप चुनाव लड़ो, तो क्या मैं चुनाव बंद कर दूँ? क्या मैं नहीं लड़ूँ? भारतीय संविधान को नहीं मानूँ? क्या बाबा साहब ने जो बनाया है उसको नहीं मानूँ? मैं संविधान को नहीं मानूँ? जिन महापुरुषों ने देश को आज़ाद किया कि आज के बाद देश में कभी लड़ाई नहीं होगी, नियम सिस्टम से सब काम होगा, जिनको वर्दी मिल गई, जिनको बिल्ला मिल गया, वो देश के गुंडे हो गए। और हम अगर समाज सेवा का काम करते हैं, अगर हम, मुझे लाइसेंस मिल, मेरे लाइसेंस की कुछ भी कीमत नहीं है। बताओ भारतीय संविधान में लिखा है क्या? जो IAS अधिकारी हो गए, जो पुलिस में भर्ती हो गए, उनको पूरा गुंडा राज करने का अधिकार है? और हमने पार्टी का, अगर मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, मैं उम्मीदवार हूँ, तो मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी चीज़ को रखने के लिए? क्या मुंडू उन गुंडों के नीचे आप काम करेंगे?